जय श्री राम दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DTH प्लस मोबाइल सॉफ्टवेयर ट्रिक्स में। दोस्तों आज की वीडियो में हम LG वॉशिंग मशीन में पानी ड्रेन की समस्या को सॉल्व करेंगे। इसके लिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी दोस्तों को मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले हमें अपने वॉश ड्रम में पानी डाल लेना है। पानी को ड्रम में डाल लेने के बाद दोस्तों हमें अपने ड्रेन सेलेक्टर बटन को ड्रेन वाले ऑप्शन पर करना होता है। ऐसा करते ही दोस्तों हमारी वॉशिंग मशीन के ड्रम से पानी पाइप के जरिए बाहर आने लगता है। लेकिन दोस्तों यह सब करने के बाद भी हमारी वॉशिंग मशीन ड्रम से पानी बाहर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इस समस्या को सॉल्व करने के लिए आपको अपनी वॉशिंग मशीन के बैक साइड जाकर इसमें लगे ढक्कन पर कसे स्क्रू ड्राइवर की सहायता से खोल लेने हैं। खोल लेने के बाद दोस्तों हमें अपनी वॉशिंग मशीन में ड्रेन वाली रूप को खींचकर वॉशिंग मशीन के ड्रम से पानी बाहर निकाल लेना है। सारा पानी निकाल लेने के बाद ड्रेन पाइप में लगी रबड़ और उसके ऊपर लगे ढक्कन को स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसमें लगे सभी स्क्रू खोल लेने हैं। तो ये जो रबड़ लगी हुई है यह दोस्तों सैमसंग वॉशिंग मशीन की रबड़ है और दोस्तों इसमें स्प्रिंग भी दो लगा रखे हैं।
इसी कारण दोस्तों हमारी वॉशिंग मशीन का पानी ड्रेन नहीं हो रहा है। दोस्तों कुछ केसेस में ये जो कीचड़ रबड़ पर लगा हुआ है इसके कारण भी पानी ड्रेन की समस्या आती है, और जब हम इस कीचड़ को हटा कर रबड़ को अच्छी तरह साफ कर देते हैं तो हमारी पानी ड्रेन वाली समस्या सॉल्व हो जाती है। अब दोस्तों हम इस रबड़ को रूप से अलग कर देंगे। अलग करने के बाद दोस्तों हम इस सैमसंग रबड़ का प्रयोग नहीं करेंगे और इसकी जगह पर हम एलजी की ही रबड़ का प्रयोग करेंगे। एलजी की रबड़ को लगाते समय दोस्तों सबसे पहले आपको अपने स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच लेना है, और खींच लेने के बाद दोस्तों आपने इस रबड़ को ढक्कन में लगाते हुए रूप के साथ कनेक्ट कर देना है। दोस्तों पहले ढक्कन को भी उल्टा लगा रखा था तो आपने ढक्कन को भी सीधा कर लगा देना है। रबड़ लगा लेने के बाद दोस्तों हमें अपनी मशीन में फिर से पानी को डालना है और ड्रेन बटन को घुमाकर देखेंगे कि हमारी मशीन से पानी बाहर निकल रहा है कि नहीं। और ये देखिए दोस्तों अब हमारी वॉशिंग मशीन से पानी बाहर निकलने लगा है। इसके बाद दोस्तों आपने वॉशिंग मशीन को जिस तरह खोला था उसी तरह से वॉशिंग मशीन को बंद कर देना है। अगर दोस्तों यह वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।